चुनाव से पहले कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में एक बार फिर बड़ी सेंधमारी की है। कांग्रेस विधायक के बाद महापौर विक्रम अहाके आज सुबह बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अहाके कमलनाथ व नकुलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, ऐसे में महापौर का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस और कमलनाथ दोनों को बड़ा झटका माना जा रहा है। देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम सर्वस्व विकास सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं, तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया है और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर अपने परिवार में हमें स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। पहले तो मैं छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहाके जी और नगर निगम के अध्यक्ष, कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका मैं स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा।